डॉक्टर रेस्पेक्टेड डॉक्टर एस पी एस पी मजदार फाउंडर एंड प्रेसिडेंट शिम्बियासिस चांसलर सिंबियासिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर विद्या रावडेकर प्रोवा प्रो चांसलर डॉक्टर रजनी गुप्ते वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव रावडेकर प्रबोस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर राजीव डिवेकर Director SIMS, esteemed veterans, learned faculty members of Symbiosis family, bright students from India and abroad, friends of media, ladies and gentlemen. Today I happen to speak in a lecture series named after Field Marshal Maniksha, one of the most illustrious sons of India. Field Marshal Maniksha is an enduring symbol of competence. Valor and patriotism. He is an optimal model for youth who aspire to contribute in nation building. Warm congratulations to my young friends who have completed their academic program and have received promising career placements. Let me especially appreciate the commitment and vision of Professor Yasvi Mazumdar and his better half. श्रीमती संजीवनी मजूमदार इट हैज़ मेड सिंबियोसिस यूनिवर्सिटी द ग्रेट इंस्टीट्यूशन डेट इट इज एंड आई रिक्वेस्ट राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम फ्रेंड्स वैसे जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, प्रायः मैं हिंदी में ही बोलता हूं। और यहां पर भी अपने विचार में हिंदी में ही व्यक्त करूंगा दूसरी बार इस इंस्टीट्यूट में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं आया हुआ हूं और पिछली बार जब मैं एज ए होम मिनिस्टर इस इंस्टीट्यूट में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया था तब से मैं सिम्बियोसिस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं और सिम्बियासिस के कामकाज के तौर तरीके को अथवा इस की इस प्रिमाइस में जो कुछ भी हमने देखा उसकी प्रायः मैं लोगों से बराबर इस बात की चर्चा भी करता हूं कि यह यह इंस्टीट्यूट कैसे इस कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि आज का जो टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग इसलिए मैं यहीं तक अपने को सीमित करूंगा इससे बियॉन्ड में जाने की कोशिश नहीं करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं समस्त सिम्बियोसिस परिवार के यूनिवर्सिटी के गोल्डन जूबली सेलिब्रेशन की, की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं पूरी सिम्बियोसिस फैमिली को और आप सभी को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ फाइव डिकेट पहले प्रोफेसर मजुमदार की लीडरशिप में सिम्बियोसिस परिवार ने जो यात्रा प्रारंभ की थी आज वह अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है और इस यात्रा ने अपनी उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान से यह दिखाया है कि जहाँ संकल्प होता है जहाँ समर्पण होता है जहां इच्छा शक्ति होती है सफलता का पदार्पण वहाँ अनिवार्य रूप से होकर रहता है शिमब्यवसित परिवार अपनी कड़ी मेहनत और लगन के चलते आज देश के अनेक इंस्टीट्यूशंस के लिए और खासकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है और इसके लिए इस परिवार के सभी सदस्य हमारी तरफ से बधाई के पात्र हैं साथियों जिस भारत भूमि की हम सभी संतानें हैं उस भीम पर प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पर प्राचीन काल से ही बहुत ही गहरा हमारे ऋषियों और मनीषियों का भी चिंतन मनन रहा है मैनेजमेंट भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग है मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए किस अवस्था में कौन कौन सी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेना चाहिए किस समय किस जिम्मेदारी से हमें मुक्त हो जाना चाहिए भारतीय चिंतन में यह बहुत ही गंभीरता से यह सब सारी बातें बताई गई हैं इनकी चर्चा की गई है बड़ी छोटी छोटी बातों जैसे कब हमें शांत रहना चाहिए कब हमें क्रोध दिखाना चाहिए किसी से कब कोई हमें सहायता लेनी चाहिए या फिर कब किसी की हमें मदद करनी चाहिए का भी उल्लेख हमको अपने शास्त्रों में देखने को मिलता है कार्पोरेट सेक्टर से जुड़े अपने अनेक साथियों को मैं देखता हूं तो ये मुझे किसी प्रेशर कुकर की भांति दिखाई देते हैं बाहर से तो बहुत ही नॉर्मल बहुत ही सामान्य पर अंदर से ऐसे बॉयल हो रहे होते हैं जिसका बस उन्हें उन्हें ही पता होता है। लगता है कि अब ब्लास्ट हुए कि तब ब्लास्ट हुए साथियों हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें इनसे मुक्ति का मार्ग भी सुझाते हैं बताते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट तक की शिक्षा भी हमारे प्राचीन ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है गीता हमें बताती है कि सम दुख सुखम धीरे मृत तत्व कल्पते यानी असफलता से पैदा हुआ दुख असफलता जनित दुख या सफलता जनित सुख को समभाव से ग्रहण करने पर ही अभीष्ट सफलता की प्राप्ति हो सकती है जो कुछ भी हम अपने अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं जब हमारे ऊपर हम कष्ट की स्थिति में हों अथवा हम सुख की स्थिति में हों दोनों में हम यदि समान भाव रखते हैं तो हम जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है ऐसा समभाव हर परिस्थितियों में हमारे अंदर होना चाहिए कठिनाइयां और परेशानियां तो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं उनसे विचलित होकर सिवाय अपना काम खराब करने के हम और कुछ नहीं करते हैं इसलिए असफलता और, और सफलता दोनों ही स्थितियों में समान रहकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में मंत्र शक्ति प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति की उन्होंने चर्चा की है यहां मंत्र शक्ति का अर्थ है ज्ञान प्रभु शक्ति का अर्थ है बल और धन और उत्साह शक्ति का अर्थ है इंथुजियाज में इनके माध्यम से वह किसी भी संगठन के मुखिया को ज्ञान बल धन और उत्साह के साथ काम करने और काम करवाने की शिक्षा देते हैं महर्षि कौटिल को, की बात मैं कर रहा हूं इसी तरह लीडरशिप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्किल और इथिक्स आदि के बारे में भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं जिनके बारे में भी हम सबको जानकारी होनी चाहिए एक अच्छे मैनेजर के गुणों को लेकर हमारे यहाँ कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न ना औषधिम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें कोई मंत्र न छिपा हो कोई ऐसा जड़ या पौधा नहीं है जिसमें कोई औषधि का गुण न हो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई योग्यता न हो जरूरत है तो किसी एक ऐसे योजक की या मैनेजर की जो इनके गुणों की पहचान कर उनका यथा स्थान उपयोग कर सके इसके लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ अपने प्राचीन ज्ञान को भी अपने साथ लेकर चलें यह हमारा आपसे आग्रह इससे न केवल आप ज्ञान के मामले में समृद्ध होंगे बल्कि आप भारतीयता के बोध से भी पूरी तरह से परिपूर्ण होंगे आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से आपके अंदर पैदा होगा साथियों किसी राष्ट्र की प्रगति में मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है आप सब इच्छे इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं इस पर अधिक बात करने की भी मैं कोई बहुत जरूरत समझ नहीं समझता हूँ देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैनेजमेंट का एक एक बहुत ही क्रूसियल फैक्टर है मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली को और अधिक इफेक्टिव बनाने और वहाँ के कल्चर को शेप देने में मदद करता है आधुनिक संस्थानों में तो मैनेजमेंट एक बैन बैकबोन की तरह काम करता है ह्यूमन फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफिशियंट यूटिलाइजेशन हो सही काम करने से लेकर काम को सही तरीके से करने की कला यानी स्किल मैनेजमेंट का ही यह पार्ट होती है मैनेजमेंट के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में जिन जिन डिसिप्लिन की डिमांड सर्वाधिक है मैनेजमेंट उनमें से एक है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोर्स आप्ट कर रहे हैं और पूड़े में स्थित यह सिम्बिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और यहाँ पर उपस्थित आप सभी होनहार स्टूडेंट्स अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं साथियों हमारे देश के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पिछले कुछ समय में दुनिया के आसमान में बड़े सितारे बनकर उभरे हैं श्री रघुराम राजन से लेकर के कामत और अजय बंगा जैसे मैनेजमेंट स्टूडेंट की एक लंबी सी श्रृंखला रही है जिन्होंने न केवल देश का नाम कमाया है बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है भारत का नाम ऊँचा किया है हाल ही में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड मिस्टर अजय बंगा के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे वह एक इंडिया बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और मास्टर कार्ड और जनरल एटलांटिक जैसे ग्लोबल कंपनीज में ऊंचे पदों पर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं वह यूएस और इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यू के भी चेयरमैन रह चुके हैं उनके बारे में मैं यहाँ इतना क्यों बता रहा हूँ उनके माध्यम से मैं यह कहना चाह रहा हूँ आप सबसे कि इसी पुणे में पैदा हुआ एक लड़का इसी पुणे में पैदा हुआ एक लड़का मैनेजमेंट की स्टडी करके उसमें परफेक्शन हासिल करके दुनिया के ऐसे प्रेस्टीजियस पोस्ट पर पहुंच सकता है जहां पहुंचने के बारे में सोचने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है इसलिए इस बात की यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं <प्राणगा> वह न केवल पुणे को बिलोंग करते थे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं बल्कि मुझे यह जानकर और अच्छा लगा कि वह एक यक्ष डिफेंस पर्सनल के बेटे भी हैं इसलिए जब मुझे बताया गया कि सिम्बियसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज डिफेंस पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन ऑफर कर रहा है तो यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है मुझे जानकारी दी गई कि ऐसे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अच्छी अच्छी जगहों और पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं यह निश्चित ही डिफेंस प्रटर्टी के लिए बेहद खुशी की बात है और इसके लिए मैं उन सभी स्टूडेंट्स और शिम्बिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों आप जानते हैं 2022 से लेकर 2047 तक का जो 25 वर्षों का समय है उसको हमने अमृतकाल कहा है अमृत काल में जिन नए संक, संकल्पों के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें मैनेजमेंट से जुड़े आप जैसे युवाओं की भूमिका और भी अधिक भविष्य में बढ़ने वाली है पिछले कुछ समय से हमारा देश अभूतपूर्व गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है आपने अनेक एजेंसीज के सर्वे देखे होंगे जो यह बताते हैं कि भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक के रूप में लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा अभी अभी भी पढ़ा होगा आपने मॉर्गन एस्ट्रेल की एक रिपोर्ट जिन्होंने कहा है कि किस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा भारत का कद दुनिया में कितनी तेजी के साथ बढ़ा है क्या आज के कुछ वर्षों पहले भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो दुनिया उसकी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी उसकी बात भारत की बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी लेकिन आज यदि भारत दुनिया के मंचों पर यानि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है यह भारत की हैसियत सारी दुनिया की नज़रों में बढ़ी है <प्राथ> साथियों एक्सपोर्ट हो या एफ का इनफ्लो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हमारा देश लगभग हर फ्रंट पर काफी बेहतर कर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है मित्रों ऐसा बस मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया की बड़ी एजेंसीज और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स भी इस बात को मानते हैं ऐसे तेजी से बढ़ते भारत को अगर मैनेजमेंट से जुड़े हमारे सभी स्टूडेंट की पूरी ताकत मिल जाए तो हमारा देश खुले आसमान में नई उड़ाने भरेगा ऐसा मेरा विश्वास है साथियों यमबीए के स्टूडेंट्स को मैं वेल्थ क्रिएटर के रूप में देखता हूं जो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एक एक स्टूडेंट अपने आप में एक ऐसा जम ऐसा हीरा है जो न जो केवल खुद चमकता है बल्कि औरों को भी चमकने के लिए वह प्रेरित करता है उनको इंस्पायर करता है वर्तमान समय में सरकार ने देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसका लाभ उठाकर आप सभी युवा भारत के आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के आर्थिक क्षेत्र में एक आप क्रांति ला सकते हैं यह क्षमता आपके अंदर है पिछले कुछ समय में हमने देश को ऐसे नियम कानूनों से मुक्त किया है जिसका अब कोई रेलिवेंस नहीं रह गया है अनेक नियम कानून पिछले कई डिकेट्स से चले आ रहे थे जो आगे बढ़ने की चाह रखने वाले नौजवानों की राह में एक रोड़े का काम करते थे यानी अवरोध पैदा करते थे नई कंपनी स्टार्ट करने वाले इंटरप्रनोर्स के सामने रेड टेपिजम ऐसी समस्या बन गया था कि हमारे युवा कोई काम शुरू करने से पहले कई बार वह सोचने को मजबूर होते थे हमने अनेक इंटरप्रन्य को शुरू किया हुआ काम रेड टेपिजम से तंग आकर रोकते हुए स्वयं भी देखा है पर हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशन का खात्मा करके उसको समाप्त करके ऐसे रूल्स रूल्स और रेगुलेशंस को ऐसे नए रूल्स और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है और हमारे युवाओं को नए काम प्रारंभ करने के लिए इंस्पायर भी किया है और साथियों 2014 में अनेक बैंक एनपीए और घाटे के बोझ से दबे हुए थे वे नए लोन देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए भी सरकार ने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज भी किया कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें नया जीवन देने का भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है बैंक्स जो अब तक कहीं एन या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे हमने उनका पुनरुद्धार यानी रिवाइवल किया है और आज बैंक्स मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में अब आ गए हैं इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया है हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाम लगाई है ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया है और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी किया है अब गाँव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने के लिए वह तैयार रहते हैं इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेफ और रेजिलियंस बढ़ी है यह आप भी महसूस करते होंगे और इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है बिजनेस सेटअप के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं उदाहरण के लिए हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं चाहे वो सी हो चाहे हमारा डी हो हमने उनमें बड़े स्तर पर रिफॉर्म्स भी लाने की पूरी तरह से कोशिश की है इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो रिसर्च हमारी अकेडमियाँ यानि यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हो रही थी उनमें और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप था दोनों के बीच कोई लिंकेज नहीं था ऐसे में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी उनको इंडस्ट्री में अप्लाई करने में काफ़ी कठिनाई होती थी नतीजा यह होता था कि दोनों ही पार्टीज के दोनों ही पार्टीज़ के विकास में बाधा आती थी पर हमने इन दोनों के बीच के गैप को कम करने की नहीं बल्कि मिटाने की कोशिश की है ताकि लैब और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम किया जा सके साथियों कहने का अर्थ यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने हर कदम वह उठाए हैं जो युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक थे उनके काम काज में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक थे मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप सभी आगे बढ़ें सरकार ने जो कुछ भी किया है सरकार के इन कदमों का आप लाभ उठाएं राष्ट्र की प्रगति के प्रति सरकार के प्रयासों को और आप सभी ताकत दें और मैं आश्वस्त हूं कि आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे और सरकार के प्रयासों को एक ताकत देने का भी काम करेंगे साथियों आप सब नई नई कंपनियां खड़ी करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स खड़े करने की ओर भी आप आगे बढ़ें हमें चरई वेद चरई वेद यानी चलते रहो चलते रहो के सिद्धांत पर बिना थके बिना थमे बस आगे चलते ही रहना है हम कब दौड़ने लगेंगे और कब उड़ने लगेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे युवाओं ने तो अब अपने पंख फैलाने शुरू किए हैं सामने तो एक लंबी उड़ान बाकी है अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन अभी तो सारा आसमान बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे युवा आसमान भी नापने में कामयाबी हासिल करेंगे साथियों युवाओं को लेकर मैं सदैव उत्साहित रहा हूं, और आप सबको शायद जानकारी नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टी में जिस समय मैं कदम रखा यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ही मैंने अपना काम प्रारंभ किया था और से हिंदुस्तान का मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूं जो कि यूथ विंग का पॉलिटिकल पार्टी की यूथ विंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा है स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा है और नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा है और हिंदुस्तान का मैं ऐसा पॉलिटिक्स हूं पॉलिटिशियन हूं जो कि पेरेंट पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूं स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा हूं और दो बार पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट भी रहा हूं मैनेजमेंट की यह सब सारी बातें आप लोगों से जो मैं कर रहा हूँ कुछ अपने अनुभव के आधार पर भी मैं कर रहा हूं कि जिंदगी में ऊंचाई कैसे हासिल की जा सकती है और साथियों जैसा मैंने कहा कि नौजवानों को लेकर मैं हमेशा बराबर उत्साहित और बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूं और युवाओं को मैं न्यूक्लियर एनर्जी की तरह ही असीम ऊर्जा का भंडार मानता हूं युवा अपनी ऊर्जा के कारण जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है आप सभी शंकराचार्य के बारे में जरूर जानते होंगे आप सभी स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जानते होंगे इन सभी ने युवावस्था में ही भारतीय संस्कृत की जो पताका फहराई थी वह आज भी पूरी आन बान और शान के साथ बुलंद है इस भारत में और स्वामी विवेकानंद की एक बात याद रखना मेरे नौजवानों और विशेष रूप से मैं नौजवान उसे निवेदन करना चाहता हूँ एक बार स्वामी विवेकानंद अपना जो वस्त्र व धारण करते हैं देखा होगा आपने उनका फोटोग्राफ गेरुआ वस्त्र और सिर पर व साफे जो बांधे हुए सब सारा कि धर्म संसद को जब संबोधित करने गए थे तो वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे डेलीगेट्स मौजूद थे तो उसमें देखकर कुछ लोग मुस्कराने लगे सर वो ऐसा ड्रेस इसके पहले नहीं देखा था उन्होंने और एक सज्जन ने कहा स्वामी विवेकानंद से सर अच्छा रहा होता कि कुछ अपना ड्रेस आपने ठीक कर लिया होता तो आप जेंटलमैन की तरह दिखाई देते तो स्वामी विवेकानंद बिल्कुल शांत रहे और जब भाषण करने गए खड़े होते ही उन्होंने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन अवर कंट्री करेक्टर मेक्स्ड मैन नौजवान बच्चों आपसे मैं विशेष रूप से इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं और यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा तो मंगल पांडे के बारे में भी आपसे तो भी मंगल पांडे के बारे में जानते हैं भगत सिंह के बारे में जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं खोदी राम बोस के बारे में जानते हैं अशफाकुल्लाह के बारे में जानते हैं चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने का जो स्वप्न देखा था उसके अलू ने संघर्ष किया अपना सब कुछ ने कर दिया और जो हासिल करना चाहते थे वह हासिल करके उन्होंने दम दिया और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा हमारे देश में जो कुछ जो कुछ भी है और जिस मुकाम पर भारत आज खड़ा है उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो हमारे देश के नौजवानों का है आज भी हम देखें हमारे देश को विश्व पटल पर ले जाने में नौजवानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देगी हमारे देश के युवा डॉक्टर्स इंजीनियर्स आईटी प्रोफेशनल्स ने दुनिया भर में अपनी एक धाक जमाई है कि अपनी साख बनी है और भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया है आज हमारे देश में मोर देन नाइन्टी थाउजेंड स्टार्टअप्स चल रहे हैं और उसके पीछे अधिकांश नौजवानों की शक्ति ही काम कर रही है देश में मोर देन हंड्रेड यूनिकॉर्न्स पैदा हो चुके हैं उसके पीछे भी नौजवानों की ही शक्ति काम कर रही है इसलिए युवा ऊर्जा की तुलना अभी न्यूक्लियर एनर्जी से मैंने की मैं समझता हूँ कि आप सभी भी मेरी बात से सहमत होंगे पर न्यूक्लियर इनर्जी के संदर्भ में हमें एक और भा भ्या, बात ध्यान रखने की जरूरत है वह यह कि एनर्जी का न तो कोई फॉर्म होता है मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं मैं जानता हूं आप भी जानते होंगे कि एनर्जी का न तो कोई फॉर्म होता है न कोई डायरेक्शन आप जानते हैं कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो ट्रामेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हमें मॉडरेट करना पड़ता है और एनर्जी का उचित इस्तेमाल हो बेहतरीन इस्तेमाल हो इसके लिए हमें उसे एक दिशा देनी होती है साथियों ठीक वैसे ही युवा या नौजवान एनर्जी के भंडार तो होते हैं पर उनका कहीं गलत दिशा में उपयोग न हो उनकी एनर्जी का उपयोग नेशन बिल्डिंग में हो उनकी एनर्जी का उपयोग समाज कल्याण में हो इसलिए हमें युवाओं की एनर्जी को भी डायरेक्ट करते रहने की ज़रूरत होती है और उसे एक सही दिशा देने की ज़रूरत होती है युवाओं की एनर्जी को कैसे मॉडरेट किया जा सकता है उन्हें कैसे डायरेक्शन दी जा सकती है तो इसका उत्तर मैं मानता हूं कि हमारे वैल्यूज हमारे मूल्य हमारा कल्चर हमारी संस्कृति हमारे ट्रेडिशंस हमारी परंपराएं हमारे नौजवानों के लिए मॉडरेटर और डायरेक्टर का, का काम करेंगे इस तरह हमारे युवा अगर लिमिटलेस एनर्जी के मालिक हैं तो हमारे कल्चरल वैल्यूज उस एनर्जी को दिशा निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो उन्हें राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण की ओर मोड़ता है और उन्हें मानवता की बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए भी वो इंस्पायर करता है साथियों बढ़ते भारत में आने वाले समय में नई नई बिजनेस इंटिटीज पैदा होंगी नई नई फैक्ट्रीज स्थापित होंगी तो जाहिर है देश को फाइनेंस मार्केटिंग सिस्टम्स और एशार से जुड़े स्पेशलाइज पर्सन की भी स्वाभाविक रूप से जरूरत होगी ही होगी और इसमें आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में भी होने वाली है और आप लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे उसकी सफलता बहुत हद तक आप लोगों पर निर्भर करेगी इसलिए आप सभी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल डेडिकेशन के साथ पूर्ण तुमर समर्पण के, के साथ आप काम करेंगे मेहनत लगन और कड़ी मेहनत के साथ ऑर्गेनाइजेशन के हितों की सुरक्षा करेंगे ऐसा मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं। और साथियों पर इसके साथ ही आपका एक और भी रोल है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और इसे भी मैं उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं, जितना कि पहले की जो बातें हमने कही हैं और उनके महत्व को आपके सामने रखने की कोशिश की है और एक और जो रोल है वह है कि आपसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशन से राष्ट्र और समाज क्या अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे और उसके अनुरूप आप सभी काम करेंगे आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी अपनी फर्म के प्रति होती है उतनी ही रेस्पांसिबिलिटी समाज और राष्ट्र के प्रति भी होती है यह बात बराबर हमारे जहन में होनी चाहिए ऐसे में आप यह इंश्योर करें कि आपके माध्यम से राष्ट्र को बेहतरीन और किफायती प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्राप्त हों आप अपने सभी स्टेक होल्डर्स चाहे वह आपके क्लाइंट्स हों या कर्मचारी या फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट के आसपास स्थित कम्युनिटी आप उनके हितों का भी उनके इंटरेस्ट का भी पूरा ध्यान रखें यह हमारी अपील है और साथियों आने वाले समय में आप सभी यह इंश्योर करें आपसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस की सप्लाई चेन में जो एमएसएमई और वेंडर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट हो क्योंकि डिफेंस में रहकर मैं डिफेंस इंडस्ट्रीज में जो एमएसई जुड़ी है मैं पहले भी देखा था और आज भी मैं देख रहा हूं इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए क्लीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को भी आप बढ़ावा दें इनलाइटेंड कार्पोरेट सिटीजन के तौर पर कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भी आप निर्वहन करें समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है यह सब आप केवल एक एच फाइनेंस या मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर नहीं कर सकते यह सब बनना बनना आपके करियर के लिए आवश्यक होगा और आपकी प्रगति में भी यह आवश्यक होगा पर इन सब के पहले आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनना होगा और अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझें उसके प्रति संवेदनशील हों और ह्यूमैनिटी को यानी मानवता को सर्वोपरि आप माने ये हमारी आपसे अपेक्षा है कल हो सकता है दूसरी बात मैं करना कल हो सकता है कि आपके सामने ऐसी मॉरल डिलेमा वाली सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसमें आपको अपनी फॉर्म और सोसाइटी के हितों में से किसी एक को चूज करना पड़े एक को चुन चुनना पड़े कि हम अपनी फॉर्म को चुनें या सोसाइटी के हम इंटरेस्ट को देखें यहाँ मुझे श्री सी राजा गोपाली गोपालचारी का स्मरण होता है जो कहते थे कि मॉरल डिलेमा हमेशा अच्छे लोगों को होता है मॉरल डिलेमा बराबर या हमेशा अच्छे लोगों को होता है बुरी प्रवृत्ति के लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसलिए जब मैं यह कह रहा हूँ कि आप लोगों को मॉरल डिलेमा का सामना करना पड़ सकता है तो इसका मतलब है कि मैं आपको देश का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक समझता हूं इसलिए मॉरल डिलेमा की बात आप लोगों से मैं कर रहा हूं इसलिए हो सकता है कभी ऐसा अवसर आपके जीवन में जहां आए जहां आप अपने समाज या राष्ट्र का हित चाहते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं पीछे छूटता नजर आने लगेगा और ऑर्गेनाइजेशन का हित चाहते हैं तो आपको आपका समाज या राष्ट्र कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आने लगेगा ऐसे में आपकी किताबी पढ़ाई शायद आप के उतनी काम न आए मेरे मित्रों ऐसे समय में कुछ काम आएगा तो वह होगा आपका अब तक का संस्कार और आपकी अब तक की परवरिश कहीं ऐसा न हो साथियों कि आप अपने फर्म को तो बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, आप अपने सीनियर्स बासेज और शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए सोशल वैल्यू से समझौता करते गए पर आपका समाज राष्ट्र और उससे भी महत्वपूर्ण मानवता यह सब पीछे छूटती चली गई ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए ऐसा आपके जीवन में कभी ना हो इसका हमें हमेशा ख्याल रखना है और इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले चलता हूँ और एक उदाहरण आपके सामने यहाँ रखता हूँ आप सभी अब तक हुए दो दो वर्ल्ड वार्स के बारे में जानते हैं आप सभी सेकंड वर्ल्ड वार में नाजियों के आत्मसमर्पण के बारे में भी जानते हैं इस समर्पण के कुछ समय बाद विक्टोरियस एलाइज द्वारा नाजी पॉलिटिकल मिलिट्री और इकोनॉमिक लीडरशिप पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया जिसमें उन पर विभिन्न प्रकार के वार क्राइम्स का आरोप लगा था विक्टोरियस एलाइज ने नाजी ऑफिशियल्स को बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए दोषी ठहराया और कोर्ट से उनके लिए सजा, सजा करने की मांग की कोर्ट ने नाजी लीडर से अपना पक्ष रखने के लिए कहा तो उन्होंने अपने डिफेंस में बहुत ही ध्यान देने योग्य बात कही जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाजी लीडर्स ने कोर्ट से कहा कि माना कि हमारे द्वारा बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ है लेकिन उसके दोषी हम नहीं हैं उस समय हम एक सिस्टम में काम कर रहे थे और तत्कालीन चीफ का जो ऑर्डर था हम उसे मानने के लिए मजबूर थे और हमने उस ऑर्डर को फॉलो करने भर का कार्य किया है और इस तरह हम इस काम के लिए दोषी नहीं माने जा सकते हैं। हमने अपना कर्तव्य निभाया आदेश का पालन किया और हम नहीं समझते कि कर्तव्य निष्ठा का दोष हमारे ऊपर आना चाहिए इतिहास में इस मुकदमे पर नूरम डिफेंस अथवा तो डिफेंस ऑफ सुपीरियर ऑर्डर के नाम से जाना गया और आप लोग जानते हैं कि उस समय कोर्ट द्वारा क्या निर्णय लिया गया इसमें से आप बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कोर्ट ने नाली लीडर से कहा कि माना कि आपको आपकी सुप्रीम अथॉरिटी ने आर्डर्स दिए थे पर आपके अंदर भी तो कोई अपनी आत्मा थी या नहीं थी कोर्ट ने यह पूछा अपने व्यक्तिगत या संगठनात्मक स्वार्थों की सिद्धि के लिए मानवता के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र का भागीदारी बनकर आप उसे सुपीरियर ऑर्डर के आवरण से ढकने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह कोर्ट ने उन सभी लीडर्स को दोषी ठहराते हुए सबको सजा सुनाई थी मैं यह प्रसंग के सामने क्यों रख रहा हूं मैं यह प्रसंग इसलिए सामने रख रहा हूं क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस घटना से हम यह सीख सकते हैं कल को हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं आपके सीनियर ऑफिसर या शेयर होल्डर उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहें जो समाज राष्ट्र अथवा मानवता के हित में नहीं है तो ऐसे समय में आप सभी को अनिवार्य रूप से अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। आपको अब तक के प्राप्त किए गए संस्कारों को सामने रखकर सारी चीजों को देखना है और परखना है और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचना आप केवल यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिसर या शेयर होल्डर ने आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जिससे समाज को थोड़ी टिबी हान पहुँचती होगी ऐसे में आप सभी न केवल एक संतुष्टि का अनुभव करेंगे बल्कि समाज में या एक ऐसा नज़ीर आप स्थापित करेंगे एक ऐसी मिसाल स्थापित करेंगे जो और लोगों द्वारा अनुकरणीय होगी और जिसका उदाहरण दूर दूर तक लंबे समय तक दिया जाएगा मित्रों आपने ध्यान दिया है कि आप लोग यहाँ जो कोर्स करते हैं वह एम या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग आगे चलकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर के तौर पर काम करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इसलिएब के तौर पर नहीं यही जीवन में आपकी पहचान होगी साथियों हमारा देश 2047 में अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करने जा रहा है और यह सौ वर्ष केवल सरकार के तो पूरे होंगे नहीं पूरे देश के होंगे जिसमें हम सभी उसमें शामिल हैं उस सौ वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी ने अपने सामने क्या संकल्प लिए हैं क्या लक्ष्य तय किए हैं उसका एक रोडमैप आप बनाएं और कुछ कदम आप बढ़ाएं, कुछ कदम हम आगे बढ़ाएंगे और साथ मिलकर अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे बीते स्वतंत्रता दिवस पर इस देश ने विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया का जो प्रण लिया है उसमें हम अपनी भूमिका निभाएं आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग नए जोश और उत्साह के साथ सामने आएँ और राष्ट्र के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आप सभी अपना योगदान दें इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपके एनुअल सेशन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद